कांग्रेस इस लोकसभा चुनाव को ईडी गठबंधन के तहत लड़ रही है। सातवें और आखिरी चरण के लिए कांग्रेस के स्टार प्रचारक मैदान में हैं। एक तरफ राहुल गांधी ने हिमाचल में कई जनसभाओं को संबोधित कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा, तो वहीं दूसरी ओर बिहार में मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कमान संभाली। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने हिमाचल प्रदेश के नाहन और ऊना में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी समेत बिजनेसमैन अडानी और अंबानी पर भी जुबानी हमला फूला। राहुल गांधी ने कहा कि संविधान को बदलने की साजिश चल रही है, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी करोड़ों रुपए देकर सरकारों को चोरी कर रही है, लेकिन हिमाचल में बीजेपी ऐसा नहीं कर पाएगी। सभी भ्रष्ट लोग बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। राहुल गांधी ने कहा कि सारा देश जानता है कि प्रधानमंत्री मोदी भ्रष्टाचारी हैं। राहुल गांधी ने कहा कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए घोटाले हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये स्कीम अवैध है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी अडानी और अंबानी के लिए काम कर रहे हैं। एक चमचे ने उनसे पूछा, मोदी जी हिंदुस्तान में अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या सोचते हो? नरेंद्र मोदी जी का जवाब आता है, सोचते हैं पहले, वो थोड़ी देर सोचते हैं, ऐसे सोचते हैं, फिर कहते हैं क्या चाहते हो कि मैं सबको गरीब बना दूं? नहीं मोदी जी, हम चाहते हैं कि जो आप अमीरों के लिए करते हो, अरबपतियों के लिए करते हो, वो आप गरीबों के लिए करो। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने कहा कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे, एमएसपी लागू करेंगे, आंगनवाड़ी में मिलने वाली राशि को डबल किया जाएगा, युवाओं को 30 लाख सरकारी रोजगार दिया जाएगा। जैसे मनरेगा में रोजगार का अधिकार दिया था, वैसे ही ग्रेजुएट युवाओं को हम पक्की नौकरी का अधिकार देंगे। 20-25 अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं, अरबपति बनते जा रहे हैं, और गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? तो नरेंद्र मोदी पहले 20-25 सेकंड सोचे ऐसे, फिर कहते हैं क्या चाहते हो, क्या मैं सबको गरीब बना दूं? आप सोच देखिए, सवाल गरीब बनाने का नहीं है। जो अपॉर्चुनिटी नरेंद्र मोदी अरबपतियों को देते हैं, वही अपॉर्चुनिटी हिंदुस्तान के किसानों को, मजदूरों को, बेरोजगार युवाओं को मिलनी चाहिए। इधर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार पहुंचे, पटना व सासाराम लोकसभा क्षेत्र के मोहनिया पहुंचे। इस दौरान जहां खड़गे ने अपने उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील की, तो वहीं बीजेपी और केंद्र सरकार के काम पर जमकर हमला बोला। आज लोग भाजपा के खिलाफ और मोदी जी के खिलाफ जनता उठ बैठी है, और ये जनता वर्सेस मोदी जी का इलेक्शन है, जनता वर्सेस बीजेपी का इलेक्शन है, और जनता वर्सेस आरएसएस का इलेक्शन है। बहरहाल एक तरफ हिमाचल पहुंचे राहुल गांधी ने कई मुद्दों को लेकर जमकर केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला बोला, तो वहीं बिहार में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कमान संभाली। नेशनल डेस्क रिपोर्ट, टोटल न्यूज़।